Good morning. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class, we are going to discuss chapter number 9 from our book, Our Past. Name of the chapter is The Making of Regional Cultures. Dear students, we have started this lesson in our previous class and discuss about the Cheras and development of Malayalam in the Cheras kingdom. Beside this, we have discussed the कल्ट ऑफ जगन्नाथ और उसके साथ साथ हमने राजपूत और उनकी हीरोइज्म की स्टोरीज के बारे में डिस्कस किया था. उसी ट्रेडिशनल और कल्चरल डिस्कशन को हम आगे कैरी ऑन करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक. अब देखते हैं कि कैसे अपने रीजन से दूसरे क्षेत्रों में कोई भी ट्रेडिशन जो है या कल्चर कैसे एक्सपैंड होता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज क्लास. If heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. जैसे वीरता की कहानियां और गाथाएं परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलती हैं, यही सेम बात जो है वो डांस के ऊपर भी लागू होती है. Let us look at the history of one dance form. आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही डांस फॉर्म के बारे में और उसके इतिहास के बारे में कि वो कैसे एक जगह से स्टार्ट हुआ और फिर कैसे ऑल ओवर द एरिया एक्सपैंड हुआ. सो वो डांस फॉर्म है कथक. नाउ एसोसिएट विद सेवरल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. सो जो आज भारत के नॉर्दर्न हिस्से में काफी सारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को इन्फ्लुएंस करता है उसमें उसको देखा जा सकता है. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज फॉर स्टोरी. जो कथक वर्ड है वो कहाँ से निकला है? वो निकला है कथा शब्द से, जिसका संस्कृत में और काफी दूसरी लैंग्वेजेस में मतलब होता है स्टोरी, कहानी. द कथक वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. एक्चुअली जो प्राइमरली थिंग्स है वो ये है कि कथक जो है वो एक कास्ट थी स्टोरी टेलर्स की, जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में बैठकर अपनी कहानी सुनाया करते थे, कहानी किस्से पुरानी जो स्टोरीज होती थी उनको सुनाते थे. तो ये स्टोरी टेलर्स की कास्ट होती थी पहले. हु एम्बलिश देयर परफॉर्मेंस विद जेस्टर्स एंड सॉन्ग्स. और वो अपनी कहानी को अलंकृत करते थे, मतलब उसको और ज्यादा सुंदर बनाते थे ताकि सुनने वालों को बहुत अच्छी लगे. किसके साथ? परफॉर्मेंस ऑफ जेस्टर्स, अपने हैंड और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ, और उसके साथ साथ सॉन्ग भी वो सुनाते थे. कथक बिगिन इवॉल्विंग इंटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट. बट इस कहानी सुनाने ने और इस कथक ने एक नया ही रूप ले लिया था 15th और 16th सेंचुरी के आसपास, जब भक्ति मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हो रहा था भारत के अंदर. द लीजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला. राधा और कृष्ण की जो भक्ति थी उसको जो उसके जो भक्त थे वो दिखाते थे रासलीला के थ्रू. अब रासलीला जो है वो फोक डांस की फॉर्म है. सो अब उस रासलीला को और ज्यादा अच्छे से दिखाने के लिए उसमें कंबाइन कर दिया गया था फोक डांस विद द बेसिक जेस्टर्स ऑफ कथा स्टोरी टेलर्स. सो जो कथा जो स्टोरी टेलर थे उनकी जो फेशियल और हैंड जेस्टर्स थे, हाथ के एक्सप्रेशंस और सारी चीजों को रासलीला को परफॉर्म करते हुए उसमें भी उनको कंबाइंड कर लिया गया था. सो इस तरीके से धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि एक कथक अलग चीज है, रासलीला अलग चीज है, वो कैसे धीरे धीरे जो है वो कंबाइंड हो रहे हैं, तो वे एक नई ही चीज निकल के सामने आएगी. अंडर द मुगल एम्परर एंड देयर नोबल्स कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट वेयर इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल. अब जो अकबर एम्परर्स थे और जो दूसरे उनके दरबारी थे या जो भी हाईली उनके साथ कनेक्टेड पर्सन थे, उनके दरबारों में अब कथक जो है वो परफॉर्म होने लग गया था. और धीरे धीरे ये कथक के परफॉर्मेंस होती रही, चेंजेस आते रहे, और जो आज हमें कथक देखने को मिलता है ये वहां से स्टार्ट हुआ था. सब्सिक्वेंटली इट डेवलप इन टू ट्रेडिशंस और घराना. और ये जो है ये दो तरीके से इसको किया जाने लगा, ये दो घरानों में, जैसे म्यूजिक के लिए घराने होते हैं वैसे ही डांस फॉर्म घरानाज हैं. सो कथक जो है वो दो घरानों में उसको पेट्रोनाइज किया गया, उसको संरक्षण मिला, बढ़ावा मिला. वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड द अदर इन लखनऊ. सो ये दो घराने कौन से थे? जयपुर घराना. जयपुर कहाँ है? राजस्थान के अंदर. सो जयपुर घराना
और दूसरा था लखनऊ घराना। अगर प्यारे बच्चों आप पूछोगे कि मैम इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस जो होता है वो थोड़ा बहुत इनकी टेक्निक का डिफरेंस होता है। जैसे कि जयपुर घराना जो है वो फुटवर्क पे ज्यादा फोकस करता है, मतलब पैरों की मूवमेंट उसमें ज्यादा की जाती है और उसी को ट्रेन ज्यादा किया जाता है, जबकि जो लखनऊ घराना है वो हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस पर, इमोशंस पर ज्यादा फोकस करता है। तो यही इन दोनों की टेक्निक में डिफरेंस होता है। अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध इट ग्रूज इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के लास्ट एम्परर थे और वो खुद भी एक बिल्कुल ट्रेंड कथक डांसर थे, उनको बहुत अच्छे से कथक डांस आता था। तो ऑब्वियस बात है जो कला उनको खुद आती है तो दैट मीन वो उसको प्यार करते हैं, वो उनको अच्छी लगती है तो वो उसको पैट्रोनाइज भी करेंगे। प्यारे बच्चों ये शब्द जो है जब से हम हिस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं ये पैट्रोनाइज वर्ड जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो पैट्रोनाइज का मतलब होता है जिन भी राजे महाराजाओं को जो कला पसंद आ जाती थी वो उसको बढ़ावा देते थे, उसको सुरक्षित रखते थे, उसको जितना उसका प्रचार प्रसार उसको अलंकृत कर सकते थे वो सारे काम उसके लिए वो करते थे। सो वाजिद अली शाह जो है उनको कथक करना खुद भी पसंद था तो उन्होंने उसको पैट्रोनाइज किया और यहां से ये जो है एक प्योर आर्ट परफॉर्म के रूप में इसने अपना रूप ले लिया। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, अब थर्ड क्वार्टर का मतलब है 19th सेंचुरी का जो अंतिम पार्ट आ गया, हम कह सकते हैं कि 1850 से 75 के आसपास का जो टाइम पीरियड था उसकी हम बात कर रहे हैं। सो इट वॉज फर्मली एंट्रेंस्ड एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली दीज टू रीजंस बट इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड मध्य प्रदेश। सो धीरे धीरे 19th सेंचुरी का एंड आते आते ये जो परफॉर्मेंस थी ये सिर्फ जयपुर और लखनऊ यहीं तक सीमित नहीं रही थी, इसने हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश यहां भी अपने आप को पहुंचा लिया था, एक्सपेंड कर लिया था, यहां तक ये पहुंच गई थी। एम्फेसिस वाज लेड ऑन द इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क, इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स एज वेल एज ऑन द इनेक्टमेंट ऑफ स्टोरीज। अब देखिए जैसे जैसे इसका एरिया एक्सपेंड हो रहा था, ज्यादा एरिया में कथक को किया जाने लगा था, वैसे वैसे इसकी टेक्निक में भी चेंजेस आने लगे थे। कथक प्योरली पहले क्या था, सिर्फ स्टोरी टेलिंग की एक कला थी, बाद जो कि बेसिकली फोकस किस पे थी, फेस के एक्सप्रेशन पे, हाव भाव पे और हैंड्स की मूवमेंट के ऊपर ये बेस्ड था। बट अब इसमें क्या चेंज आ गया, इसमें फुटवर्क, अब उसमें पैरों की मूवमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा और इसके साथ साथ अब कॉस्ट्यूम पे भी, क्या पहन के कथक डांस परफॉर्म किया जा रहा है तो उस ड्रेस को भी ब्यूटीफुल बनाए जाने पे फोकस किया जाने लगा और उसके साथ साथ उसमें और ज्यादा स्टोरीज को ऐड किया गया। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चर्स प्रैक्टिस वॉज व्यूड विद डिसफेवर बाय द मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन द 20th सेंचुरीज। आपको पता है कि उस टाइम पे हम क्या था, हमारा देश जो है वो ब्रिटिश के अंडर रूल, ब्रिटिश जो है हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे और ब्रिटिश जो है वो इंडियंस की मूवमेंट को उनको ज्यादा कोई पसंद वो थी नहीं। सो वैसी थी जैसे उनको लगता था कि बाकी के कल्चर प्रैक्टिस होती है इंडियंस की, वैसे ही ये है, तो वो ज्यादा उसको पसंद नहीं करते थे डांस फॉर्म को भी। सो हाउ एवर इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म बाय द कॉर्टिसियंस, बट बावजूद इसके बेशक वो उसको पसंद नहीं करते थे फिर भी ये कला जो है वो कंटिन्यू रही और इसने सर्वाइव किया, दरबारी जो है वो इस कला को परफॉर्म करते रहते थे। एंड वॉज रिकग्नाइज एज वन ऑफ 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ द डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये इतना इसे कला ने सर्वाइव किया, ये बची रही और कंटिन्यू रही, पास ऑन होती रही जनरेशन टू जनरेशन, कि जब हम आजाद हो गए तो भारत के आजादी के बाद जो है 6 क्लासिकल डांस फॉर्म की जो जिनको क्लासिकल डांस बोला गया उन 6 डांसेस में से एक कथक ने भी अपना प्लेस बना लिया था। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से हैं, बाकी के 5 डांसेस कौन से हैं। सो ये हमारे नेक्स्ट पैसेज में दिया गया है अदर डांस फॉर्म, यहां पर सो अदर डांस फॉर्म्स That are recognized as classical at present, भरतनाट्यम, जिसका एरिया जो है वो भरतनाट्यम परफॉर्म किया जाता है तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र में, कथकली केरला के आसपास, उड़ीसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर के अंदर,
अब जो है अगर हम 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो आज के टाइम पे 8 क्लासिकल डांस है। वो दो कौन से ऐसे डांस है जो अब बाद में ऐड हो गए? नंबर 1 सतरिया जो कि आसाम का डांस है, और दूसरा है मोहिनी अट्टम केरला। सो केरला से हम कह सकते हैं कि 2 डांस फॉर्म्स है, कथकली और मोहिनी अट्टम। अब हम प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं बार बार क्लासिकल वर्ड की। सो ये क्लासिकल का मतलब क्या है? क्या सारे डांस क्लासिकल होते हैं या कुछ स्पेशल डांस ही हैं उन्हीं को क्लासिकल बोला गया है? जैसे हमारे घर में कोई भी फंक्शन होगा सो उसमें फैमिली मेंबर खुशी में आकर डांस कर लेते हैं, बेशक उनको आए या ना आए, बट हम उसको क्लासिकल नहीं कह सकते। क्लासिकल डांस का मतलब होता है जिसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, जिसमें हैंड पोस्चर्स, पोजेस, एक सर्टेन जो है पूरा रूल्स और रेगुलेशंस के तहत जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है उसको उस डांस को क्लासिकल डांस बोला जाता है। सो इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशंस ऑफ मिनिएचर। सो अब हम जैसे कि हमने बात की है इस चैप्टर में, हम कल्चर और ट्रेडिशन कैसे चेंज हो रहे हैं उन्हीं चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ जो है आपको पता है कि 7th की जो पूरी हिस्ट्री है हमारी वो मेडिवल टाइम पीरियड की है। सो उसी टाइम पे हम कैसे पेंटिंग के अंदर क्या क्या बदलाव आए, कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह पर फैली, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग। जैसे कि अभी हमने देखा था कि डांस फॉर्म जो है वो टेम्पल में स्टोरी टेलिंग से लेकर आसपास के राज्यों तक फैल गया था, वैसे ही एक और परंपरा है वो है मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा। जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है हमें, मिनिएचर मतलब छोटी छोटी पेंटिंग्स, चित्रकलाएं। मिनिएचर एज देयर वेरी नेम सजेस्ट आर स्मॉल साइज पेंटिंग जनरली डन इन वॉटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये वॉटर कलर के साथ की जाती थी, क्लोथ के ऊपर और पेपर के ऊपर। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड, बट बिल्कुल शुरुआती टाइम में जब पेपर अवेलेबल नहीं था तो उस टाइम पे ये पाम लीव्स या फिर वुड लकड़ी के ऊपर की जाती थी। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट। और इनमें से बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स जो है वो हमें साउदर्न इंडिया में देखने को मिलती हैं, जिनका यूज किया गया था जैन टेक्स्ट, जैन धर्म की जो किताबें हैं उनके जो पौराणिक बुक्स हैं उनको इलस्ट्रेट, उनको चित्रित करने के लिए इसका यूज किया गया था। द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पेट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमरली इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट एंड पोएट्री। सो जो मुगल एम्परर थे जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनको जो है ये कला से, कला के प्रेमी थे, इनको कला, संगीत, चित्रकलाएं ये सब बहुत ज्यादा पसंद था, तो इसीलिए इनको इन्होंने क्या किया, कला को संरक्षण दिया, बढ़ावा दिया। सो ये क्या करवाते थे, अपने जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स, इतिहास की जो ये अपनी बुक्स लिखवाते थे या जो इनके काव्य शास्त्र थे उनको इलस्ट्रेट कराते थे अपने पेंटर से, उनमें सुंदर सुंदर चित्रकारी जो है ये करवाया करते थे। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स, सीन ऑफ बैटल और हंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ। और ये किस तरीके की पेंटिंग्स हुआ करती थी, जैसे दरबार का सीन है, दरबार लगा हुआ है तो उसको एज इट इज पेंट कर लिया गया, या फिर हंट शिकार करते हुए के जो सीनरीज होती हैं, या फिर युद्ध के मैदानों की सीनरीज, ये सारी जो है वो उन चित्रकलाओं का की इंस्पिरेशन हुआ करते थे। दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट एंड वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स। और ये सारी पेंटिंग्स जो हैं ये कभी कभी क्या होता था, गिफ्ट के तौर पे भी एक दूसरे को दी जाती थी, बट ये हाईली एक्सक्लूसिव थी, जिसका मतलब है कि राजा, उसके फैमिली मेंबर्स या उनके जो नोबल होते थे, दरबारी होते थे, वही इनको देखने की इसको परमिशन होती थी। सो आम जन जो था उनको जो है पेंटिंग अवेलेबल नहीं थी। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट ऑफ द एमर्जिंग रीजनल स्टेट। एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट ऑफ द राजस्थान। बट
औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए थे मुगल्स के, वो वीक सक्सेसर थे, वो ज्यादा अच्छे राजा साबित नहीं हुए। तो हुआ क्या कि मुगल एम्परर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और जब मुगल डिक्लाइन हुए तो अब कौन, जब राजाओं को अपना राज्य ही वो बचा नहीं पा रहे हैं तो वो पेंटर्स को कहाँ से संरक्षण देंगे। अब धीरे धीरे पेंटर्स जो है उनके राज्य से निकलकर आसपास के जो दूसरे रीजनल किंगडम्स थे उनमें जाने लगे। इससे हुआ क्या कि जो मुगल का टेस्ट था, मुगल जिस तरीके की पेंटिंग्स बनाते थे, अब वो धीरे धीरे डेक्कन मतलब दक्षिण भारत, वहां के राजाओं को वो पसंद आई तो उन्होंने उस तरीके की पेंटिंग करवाना शुरू कर दिया। राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनको वो पसंद आई तो उन्होंने अपने यहाँ उस तरीके की पेंटिंग करवाना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। बिसाइड्स themes from the mythology and poetry were depicted at the center such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota and Kishangarh. अब देखिए ऐसा नहीं था कि जो अब जो राजपूत राजा थे या डेक्कन के जो भी राजा थे अब वो सारे कम्प्लीटली उनकी पेंटिंग जो इन्फ्लुएंस हो गई है मुगल एम्परर से, ऐसा भी नहीं था। उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। सो उसमें क्या था, माइथोलॉजी, जो हमारी पुरानी पौराणिक जो स्टोरीज हैं जैसे कि भगवत गीता या शिव पुराण और इस तरीके की जो माइथोलॉजी की स्टोरी है, या फिर उसके साथ साथ पोएट्री, इन सभी से भी इंस्पिरेशन लेके पेंटिंग्स की जाने लगी, जिसके एग्जाम्पल हमें मेवार, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ की पेंटिंग्स वहां पर हुई है उसमें देखने को मिल जाएंगे। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वॉज द हिमालयन फुट हिल अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए कि मुगल से स्टार्ट हुई कैसे, फिर डेक्कन इंडिया में और वेस्टर्न में राजस्थान इंडिया में वहां पर कैसे पहुंची। अब इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया में हिमालय की जो फुट हिल है वहां पर भी पेंटर्स जो हैं पहुंच गए। वो कैसे पहुंचे, बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन हैड डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बसोहली। जो हिमालयन की फुट हिल्स है, फुट हिल का मतलब होता है जैसे पूरा माउंटेन होता है तो उसके आसपास की जो वैली का जो रीजन होता है ना उसको फुट हिल बोल रहे हैं हम। सो वहां पर एक अलग ही मिनिएचर पेंटिंग की कला उभर कर सामने आई जिसको बसोहली नाम दिया गया। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज भानु दत्ताज रस मंजरी। और इस बसोहली पेंटिंग में, मिनिएचर पेंटिंग की कला में, एक बहुत ही फेमस पॉपुलर टेक्स्ट जो है वो चित्रित किया गया, इलस्ट्रेट किया गया, जिसका नाम है भानु दत्ता रसमंजरी। नादिर शाह इन्वेजन एंड द कंक्विस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ द मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। सो नादिर शाह ने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया, उसके अलावा दिल्ली को जो है वो कंक्यूर कर लिया, जीत लिया, तो वहां पर क्या हो गया था, लूट के, बैटल्स के बहुत ज्यादा जो इवेंट्स हैं इस तरीके की घटनाएं वहां पर हो रही थी। सो पेंटर्स को क्या चाहिए, शांत माहौल, बिल्कुल जहां पर वो आराम से बैठ के अपनी कला का काम कर सके। सो ऐसे शांत माहौल के लिए वो क्या हुआ, दिल्ली का अनिश्चितताओं से भरा हुआ जो एनवायरमेंट है, पेंटर्स उसको छोड़ के ऐसी जगह जाने लगे जहां पर उनको शांत एनवायरमेंट मिले। सो हिमालय की गोद से बेहतर शांत जगह हमें कहाँ मिल सकती है, तो पेंटर जो है वो हिमाचल की ओर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हेयर हम यहाँ पर अपनी बुक पे बैठे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए इस तरीके की पेंटिंग है और उसमें डिफरेंस भी हमें देखने को मिलेगा। ये अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हंट मुगल मिनिएचर, यहाँ पे मुगल की मिनिएचर पेंटिंग किस तरीके की होती थी वो आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए महाराणा राम सिंह द्वितीय प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर, ये देखिए राजपूत राजाओं की मिनिएचर पेंटिंग में आपको एलिफेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है हमारी कृष्ण राधा एंड हर कंपेनियन पहाड़ी मिनिएचर कांगरा, कांगरा शैली, जिसके बारे में अभी हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो इसके कलर्स को आपको ध्यान रखना है कि कैसे ब्लू और ग्रीन कलर का यहाँ पर ज्यादा यूज किया गया है। सो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि अब जब पेंटर्स ने हिमालय की तरफ मूव करना शुरू किया, सो हेयर दे फाउंड रेडी पैटर्न्स
which led to the founding of the Kangra School of Painting, जिसकी पेंटिंग अभी अभी हमने देखी थी, कांगरा शैली की पेंटिंग जो थी. सो यहाँ पर जो थे उनको पेंटर्स को संरक्षण देने के लिए लोग यहाँ पर बिल्कुल उनका उन्होंने कह सकते हैं कि अच्छे से वेलकम किया. और बाय द मिड 18th सेंचुरी द कांगरा आर्टिस्ट डेवलप अ स्टाइल विच ब्रीद अ न्यू स्पिरिट इन टू द मिनिएचर पेंटिंग. और यहाँ पर पेंटर्स ने उन वादियों का, उन अलग से माहौल का उनके ऊपर ही ऐसा इफेक्ट पड़ा कि एक नई ही पेंटिंग की शैली यहाँ पर उसने जन्म लिया, डेवलप हुई और ये कहलाई कांगरा शैली. सो इस कांगरा शैली ने मिनिएचर पेंटिंग में एक नया ही जीवन डाल दिया. द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवित ट्रेडिशंस. आपको पता है कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, विष्णु टेम्पल है, वैष्णव माता का टेम्पल है. सो उन चीजों से इंस्पायर होके वहां की जो कांगरा शैली है उसको डेवलप किया गया. सॉफ्ट कलर इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम डिस्टिंग्विश द कांगरा पेंटिंग. और कांगरा पेंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी कि उसमें ठंडे नीले और ग्रीन कलर का, उसमें ब्लू और ग्रीन कलर का यूज उसमें ज्यादा किया गया. और उसके साथ साथ दूसरे जो सॉफ्ट कलर्स होते हैं जो ज्यादा बिल्कुल ही आंखों को क्या कहते हैं ना, चुभते नहीं है, ऐसे कलर्स का वहां पे यूज नहीं होता है. ऐसे कलर जो सूदिंग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उन कलर्स का यूज करके कांगरा की जो पेंटिंग होती है उनको किया गया. रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन पेंटेड एज वेल ऑन पोर्ट वॉल फ्लोर क्लोथ वर्क ऑफ आर्ट That have occasionally survived. अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो पेंटर हैं, स्पेशली स्किल्ड हैं, वही कला का काम करते थे. जो आम जन होते थे, आम जो नागरिक होते थे, मैन और वुमेन, वो भी पेंटिंग करते थे मटकों के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, वो भी पेंटिंग की जाती थी. बट होता क्या था, वो बचती नहीं थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा संभाल के रखा नहीं जाता. आम जीवन कैसा होता है, आपको पता है कि आम जीवन में लोग अपनी अर्निंग के लिए ज्यादा दौड़ भाग कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा संभाल के रखने का उनके पास इतना ज्यादा पैसे नहीं होते हैं. सो अनलाइक द मिनिएचर दैट वर केयरफुली प्रिजर्व इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज. बट जबकि जो राजा महाराजा होते हैं उनके पास बहुत पैसे होते हैं, तो वो इन कला के सामानों को बहुत अच्छे से संभाल के अपने म्यूजियम वगैरह में और महलों में रख सकते थे. सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे एक डांस फॉर्म जो है स्टोरी टेलिंग से आज उसने अपना पोजीशन जो है क्लासिकल डांस में ले ली है. कैसे उसमें जो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि पहले इमोशनल फोकस से कैसे उसमें फुटवर्क ऐड हो गया और बाद में वो कैसे आसपास के एरिया में भी एक्सपेंड हो गया. वैसे ही हमने देखा कि मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो कैसे मुगल कोर्ट से निकलकर डेकन इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में उसने अपनी अप्रोच बनाई. कैसे उसमें बाकी जो चीजें थी जैसे राजपूत की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको कैसे उसमें मिनिएचर पेंटिंग में डाला गया. कांगड़ा एक नई शैली उभर कर सामने आई. सो हम देख रहे हैं कि कैसे कल्चरल और ट्रेडिशन इंटरमिक्सिंग हो रही है. सो इसी इंटरमिक्सिंग के फर्दर डिस्कशन को हम अपनी अगली क्लास में करेंगे और कुछ और नई बातों के बारे में जानेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी और पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, और विंटर सीजन को एंजॉय कीजिए. थैंक यू.